हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग रसायन विज्ञान के अम्ल, भस्म और लवण के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे यूनिट टू में, और जीव विज्ञान के भी जैव प्रक्रम फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है। आप लोग वहां प्लेलिस्ट से भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जीव विज्ञान जैव प्रक्रम है यूनिट फर्स्ट, वह भी क्या हो चुका, अपलोड हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले रसायन विज्ञान के अम्ल, भस्म और लवण के ऑब्जेक्टिव पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या, देखिए कि निम्नलिखित में से टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। देखिए तब ये टार्टरिक जो अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल, यह इमली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये जो आंसर या गलत दे दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। अब देखिए तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सब पर चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, सब पर चर्चा। अब देखिए कहा जाता है टमाटर में, तो यह जो टमाटर है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक। टमाटर में जो पाया जाता है वह ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, इसको लिखते रहिएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक। अब देखिए संतरा में, अब हम लोग किस पर चल रहे हैं, संतरा में, तो संतरा में पाया जाता है, संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा या फिर नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब इस टमाटर में जान गए ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा या नींबू में जान गए सिट्रिक अम्ल। अब देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो सब पर हम लोग चर्चा कर लिए, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक का क्या होगा आंसर, तो एक का आंसर हो जाएगा डी, एक का जो आंसर हो जाएगा वह डी आंसर हो जाएगा। एक का क्या होगा, डी आंसर। दूसरा कहता है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तब हम लोग पढ़े थे कि पीएच का दांत पर प्रभाव, पीएच का दांत पर प्रभाव, दांत पर प्रभाव। अब देखिए जब हम कोई मीठी वस्तु खाते हैं, तो इस मीठी वस्तु में उपस्थित शक्कर हमारे दांतों में चिपक जाता है, चिपक जाता है, और जिसके फलस्वरूप अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अम्ल का, और यह अम्ल हमारे दांतों के ऊपरी परत को नरम बना देता है, जिसके कारण हमारे दांतों में क्या होता है, छिद्र हो जाता है, जो क्या कहलाता है, तो जो दंत प्लांक कहलाता है, जो क्या कहलाता है, तो दंत प्लांक कहलाता है, प्लांक कहलाता है। अब हम लोग पढ़े थे कि इसे निपटने के लिए, दंत प्लांक से निपटने के लिए हम क्षारीय मंजन का उपयोग करेंगे। किस मंजन का, तो क्षारीय मंजन का उपयोग करेंगे, क्षारीय मंजन का क्या करेंगे, उपयोग करते हैं। तो टूथपेस्ट होता है क्षारीय होता है, टूथपेस्ट कैसा होता है, तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है। इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल समझ गए कि टूथपेस्ट कैसा होगा, क्षारीय होगा। और दंत प्लांक को की मिटाने के लिए, हमको दंत प्लांक को हटाने के लिए हम क्षारीय मंजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो यह क्या होता है, तो टूथपेस्ट कैसा होता है, तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है। हम लोग बिल्कुल क्या करके समझ के, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अब देखिए दूसरा तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3। इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका ए आंसर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही है। MgCO3 या मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। अब चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन पर। देखिए
चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। देखिए बेकिंग पाउडर का, बेकिंग पाउडर, देखिए बेकिंग पाउडर का, बेकिंग पाउडर। अब देखिए बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaH क्या होता है? CO3। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका बेकिंग पाउडर का जो सूत्र होगा वह सी आंसर क्या होगा, सही होगा। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र NaHCO3। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो यह क्या है, कैल्शियम, और किसे रासायनिक किया, क्लोरीन से किया। अब यह जो बनाता है कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। कैल्शियम क्या बनाता है, क्लोराइड, CaCl2 बनाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि जब कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया करते तो कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं। बी आंसर क्या है, सही, एक गलत दे दिया हम। अब चलिए यहाँ पे आप पूछा कि सर कैल्शियम क्लोराइड कैसे बन जाता है, तो CaCl2। अब इसका एक और एक क्या बनाते हैं, एक सिंपल मेथड से आप लोग समझिए सबसे पहले इसको, कि कैल्शियम और क्लोरीन इसका जो संयोजकता होता है, संयोजकता, देखिए कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है, क्लोरीन का 1। अब यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CaCl2 का निर्माण करता है। यही क्या है, CaCl2 है, देखिए CaCl2 है, ठीक है, CaCl2। यह कैल्शियम क्लोराइड बन गया, तो बी आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। छठा कहता है हमारे शरीर का पीएच मान कितने प्रास के बीच कार्य करता है। देखिए 37 डिग्री सेल्सियस पर, या इसी को कहिए 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक, 98.6 डिग्री फारेनहाइट पर हमारे शरीर का जो तापमान होता है 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच रहता है। यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस आवर बॉडी द न्यूट्रल, हमारा जो बॉडी क्या होता है, उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। और इस पर जो होता है हमारे शरीर का तापमान जो होता है वह जो कार्य करता है 7.0 से लेकर के 7.8 तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी आंसर क्या सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अब कह रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या कह रहा है, धोबिया सोडा, धोबिया सोडा। अब देखिए धोबिया सोडा को जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, यही क्या होता है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए तो बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र यही होता है, Na2CO3 × 10H2O। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठ में कह रहा है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। अब देखिए अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, जिसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पीएच का मिट्टी पर प्रभाव, यही ना पढ़े थे, पीएच का मिट्टी पर प्रभाव, यानी कि पीएच क्या प्रभाव डालता है मिट्टी पर। तब हम लोग पढ़े थे पीएच का मिट्टी पर प्रभाव, कि जब मिट्टी क्षारीय होती है तब हम लोग अम्लीय उर्वरक का उपयोग करते हैं। फिर से समझिए कि जब मिट्टी क्षारीय होती है तब हम लोग अम्लीय उर्वरक का उपयोग करते हैं। तो यह जो अमोनियम क्लोराइड होता है यह अम्लीय उर्वरक होता है। कैसा उर्वरक होता है, अम्लीय उर्वरक, अर्थात इसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। देखिए अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है इसका सूत्र होता है NH4Cl, और इसका जो जलीय विलयन ऐसा होता है अम्लीय होता है, और यह एक अम्लीय उर्वरक भी है, अम्लीय उर्वरक भी है, क्या है, उर्वरक भी है। जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो अम्लीय उर्वरक का उपयोग, और जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तब क्षारीय उर्वरक का क्या करते, उपयोग करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वह कैसा होता है, तो अम्लीय होता है।
है? ए आंसर क्या है? सही है, NH4Cl इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तनु HCl का pH मान कितना होता है? अब देखिए HCl है यह हमारे अमाशय में बनता है, किस में बनता है? अमाशय में, और यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। किसको पचाने में? भोजन पचाने में, भोजन पचाने में क्या होता है? सहायक होता है। हम लोग पढ़े थे कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और उसका पीएच मान 0 से लेकर के 3 के बीच होता होता है कि ना, इसे ही गैस्ट्रिक जूस अर्थात अमाशय रस भी कहा जाता है। लेकिन जब HCl अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, या जो HCl होता है तो क्या होता है, इंडिगेशन अपचय कर देता अर्थात भोजन नहीं पचता है, जिसके कारण हमें एंटा एसिड लेना पड़ता है अर्थात बेकिंग पाउडर कहे या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो तनु HCl का जो पीएच मान होता है, तनु HCl का 0 से कितना के बीच होता है? 3 के बीच होता है, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी आंसर सही है। अगला कह रहा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? देखिए इसको तो नोट कर लीजिए। अब देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान, अब देखिए किसका कह रहा, उदासीन विलयन। तो देखिए उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का जो पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 7 से जब ये कम होता है तो अम्लीय हो जाता है, 7 से जब ये कम होता है तो क्या हो जाता है, अम्लीय। और पढ़े थे 7 से ज़्यादा क्या होता है, क्षारीय होता है। 7 से ज़्यादा क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, 7 से ज़्यादा क्षारीय। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग क्या करते चलते हैं। अगला कह रहा है कि नमक का सूत्र क्या होता है? तो देखिए नमक को ही साधारण नमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधारण नमक। और इस साधारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है। कितना होता है? NaCl। इसका आंसर कौन होगा? तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl। अब चलिए 12वां क्वेश्चन पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। 12 क्वेश्चन क्या है, विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? तो पढ़े थे हम लोग विरंजक चूर्ण, देखिए विरंजक चूर्ण। अब देखिए विरंजक चूर्ण यहाँ पे इसका जो पढ़े थे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, यहाँ पे देखिए कि इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब इसका सूत्र पूरा लिख देते हैं, इस प्रकार पढ़े थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और क्लोरीन गैस क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। कौन सा गैस? तो देखिए क्लोरीन गैस क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और जब ये Cl2 गैस क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो Ca तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, CaOCl2 यही बनाता है। अब प्लस H2O का क्या करता है, निर्माण करता है H2O का। तो यही CaOCl2 है, यह क्या है, विरंजक चूर्ण है। कौन सा चूर्ण है? तो यह विरंजक चूर्ण है, अर्थात विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। ए आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन पर। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2 H2O कितना होता है, × 1/2 H2O होता है। देखिए CaSO4 × 1/2 H2O यही होता है, या फिर इसी को लिखिए CaSO4 2 × H2O। यह क्या होता है, प्लास्टर ऑफ द पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टू डेकोरेट द आवर बिल्डिंग, बिल्डिंग को सजाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, CaSO4 × 1/2 H2O या CaSO4 2 × 2 H2O। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है MN अति तनु HCl HNO3 के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है? पढ़े थे अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, अभिक्रिया करती है तो H2 मुक्त होता है, यही ना मुक्त होता है,
तो H2 आया था हाइड्रोजन गैस, क्या होता है मैग्नीज, क्या एक धातु है, HNO3 क्या एक अम्ल है। अब देखिए किस प्रकार यह क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है। अब देखिए MN है, किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया किया, HNO3 के साथ किया, तब यह जो बनाता है MN into NO3 के होल ट्वाइस, ठीक है। अब प्लस बना देता है, H2 गैस मुक्त होता है, H2 गैस क्या होता है, मुक्त होता है। 2 यहाँ पे लगा दीजिए, यही MnNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट बना और H2 गैस क्या होता है, मुक्त होता है। तो यहाँ पे H2 गैस क्या हो गया, मुक्त हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षारक है, पढ़े थे धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड भाष्मिक होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्साइड भाष्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसा होते हैं, भाष्मिक होते हैं। अब देखिए तो धातु जिंक ये क्या है, धातु अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, धातु के ऑक्साइड भाष्मिक होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड पढ़े थे, देखिए अब इसको क्या कर देते, मिटा दे, धातु के ऑक्साइड कैसा होते हैं, भाष्मिक होते हैं। तो अब जो देखिए भाष्मिक जो होते हैं, जो भस्म अगर जल में घुल जाता है, भस्म अगर जल में क्या कर जाता है, घुल जाता है, तो वह क्षार कहलाता है। भस्म अगर जल में घुल जाता है तो वह क्षार कहलाता है, घुल जाता है तो वह क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है, तो वह क्षार होता है। तो धातु के ऑक्साइड भाष्मिक होते हैं अर्थात ज्यादा नो जल में घुल जाता है, तो यही क्या कहलाता है, क्षार का क्या करता है, निर्माण करता है। अब देखिए तो अधातु के ऑक्साइड कैसा होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, कैसा होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, कैसा होता है, अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड कैसा होता था, अम्लीय होता है। अधातु सल्फर है अम्लीय होगा, कार्बन है अम्लीय होगा, नाइट्रोजन है अम्लीय होगा, अर्थात कौन क्षारक है, तो धातु के ऑक्साइड भाष्मिक होते हैं। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा इसका वह ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, पढ़े थे Na2CO3, यह क्या सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, यही क्या है, सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3, ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन अवकारक नहीं है, निम्नलिखित में कौन अवकारक नहीं है। अब देखिए अवकारक, अवकारक के बारे में, तो अवकारक यानी कि इसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि द एजेंट हुच सेल्फ ऑक्सीडाइज बट अदर एलिमेंट इज द रिड्यूस, एक वैसा एजेंट अभिकर्मक जो स्वतः ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरे को अवकृत करता है, वही ऑक्सीकारक कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक अर्थात O2 क्या है, एक सॉरी अवकारक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, O2 क्या है, एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। बाकी H2 है, CO है, H2S है, यह सब के सब अवकारक है, लेकिन O2 जो है एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। तो हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अवकारक नहीं है, तो O2 एक अवकारक नहीं है, O2 क्या है, अवकारक नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अगला क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं क्लोरोक्षार विधि, क्या कहते हैं, क्लोरोक्षार अभिक्रिया या विधि, क्लोरो अल्कली विधि, या क्या कहते हैं, क्लोरो अल्कली विधि। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे NaOH क्या करता है, बनता है। अब देखिए तो सोडियम क्लोराइड कह रहा है, तो NaCl, ठीक है, कि जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब ये यानी कि करंट पास हो रहा है, तो यह जो टूट जाता है Na+ और Cl- में, अब यह जो Na पहले होता है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर किस में बदल जाता है, सोडियम में बदल जाता है। अब देखिए यह जो सोडियम जो होता है, यह जो Na होता है
H2O के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH बनाता है। क्या बनाता है? NaOH। यही NaOH क्या क्या करता है? तो यह निर्माण करता है, NaOH का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो यह NaOH का निर्माण करता है। तो यह NaOH का क्या करता है? निर्माण करता है। अब देखिए ये किसका निर्माण करता है? तो NaOH का क्या करता है? निर्माण करता है। अब देखिए तो यही NaOH का क्या हुआ? निर्माण हुआ। यहाँ पे किसका निर्माण? NaOH का। और H2 गैस क्या कर जाता है? निकल जाता है। H2 गैस क्या कर जाता है इसके साथ? अब प्लस H2 के H2O क्या जाता है? बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर जो हो रहा है यही NaOH बन रहा है, यानी कि यह जो प्रक्रिया कहलाता है क्लोरोक्षार विधि कहलाता है। कौन सी विधि कहलाता है? तो क्लोरोक्षार विधि क्या कहलाता है? कहलाता है। यह जो प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्लोरोक्षार विधि कहलाता है। अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि NaOH का 10 ml 8 HCl के 8 ml से पूर्णतः उदासीन हो रहा है। NaOH के कितना ml? 10 ml। HCl के 8 ml से उदासीन हो रहा है। अब देखिए 10 ml कौन है? NaOH है। और HCl कितना ml है? 8 ml है। HCl कितना ml है? 8 ml। NaOH 10 ml है और HCl कितना ml? 8 ml है। दोनों का सबसे पहले क्या निकालेंगे? तो परसेंटेज प्रतिशत द्रव्यमान। तो 5:4 कितना होगा? 4। 5 × 10 4 × 8 5 अनुपात कितना आ गया? 4 आ गया। से क्या हो रहा? उदासीन हो रहा। अब कह रहा है कि यदि हम NaOH के उसी विलयन में 20 ml ले तो उदासीन करने के लिए कितना ml HCl की आवश्यकता होगी? कह रहा है कि 4 ml 8 ml 12 ml और 16 ml। अब देख 5:4 तो 20 के भी क्या था? 4 अनुपात निकलना चाहिए 20 का। अब इसका देखिए, जब हम लोग 5:4 पर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए कितना है। पहले NaOH कितना था? जैसे कि यह NaOH था कितना ml और HCl। देखिए HCl NaOH पहले का क्वेश्चन में था 10 ml, HCl था 8 ml, दोनों कट गया। 5 अनुपात कितना आ गया? 4 आ गया। अब हम लोगों को कह रहा है कि कितना, अगर हमको 20 ml NaOH है तो कितना ml HCl से यह क्या होगा? HCl से यह उदासीन होगा। अब देखिए इसको कितना ml से अब कराते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 20 ml हमको क्या है? अब देखिए 20 ml NaOH है। 20 ml क्या है? NaOH है। अब कह रहा है कितना ml? तो 20 ml अगर 16 ml लेते हैं, ml से ml कैंसिल, 5 × 4 20, 4 × 4 16, 5 अनुपात कितना आ गया? 4 आ गया। और इसे पहले भी हम लोग कितना पढ़े थे? देखिए तो 5:4 इसे पहले भी था। देखिए पूरा क्वेश्चन को कि NaOH, या देखिए NaOH 5 10 ml 8 ml 5:4, फिर 20 ml 16 ml लिए 5 अनुपात कितना आ गया? 4 आ गया। अर्थात ये आंसर कितना हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। कितना आंसर हो जाएगा? तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 16 ml। इसको क्या कर लीजिए? सबसे पहले नोट कर लीजिए, तब हम क्या करेंगे, जूम कर देते हैं। नोट कर ली होइएगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन पर, इसी पर अब हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। अब हम लोगों को कह रहा है कि अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करना चाहिए? किसके अपच के उपचार के लिए? अपचन, अगर भोजन नहीं पचा है, भोजन नहीं पचा है
तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एंटा एसिड। किसका उपयोग, एंटा एसिड का उपयोग करते हैं। हम पढ़े थे कि पीएच का हमारे पाचन तंत्र में प्रभाव, पढ़े थे कि जब हमारे पेट में एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता और जब अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है तो हमारा भोजन नहीं पच पाता है, जिसके कारण हमारे पेट में दर्द, जलन, उल्टी इत्यादि की क्या होती, संभावनाएं बढ़ जाती है। अब इन सबों को रोकने के लिए हम कुछ मात्रा में एंटा एसिड जैसे रसायनों का क्या करते हैं, मेडिसिन का उपयोग करते हैं। अब इस एंटा एसिड में हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो एंटा एसिड में हम लोग करेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया Mg into OH के होल ट्वाइस। इसी का उपयोग करेंगे, किसका, Mg into OH के होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ किसका, मैग्नीशिया का, देखिए Mg into OH के होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर हम लोग क्या पीते, इनो पीते हैं इत्यादि सब, यह क्या है, एंटा एसिड है। यानी कि द एसिड व्हिच क्योर द आवर इनडाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज द एंटा एसिड। इन केस ऑफ एंटा एसिड वी टेक द लीस्ट अमाउंट ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड द इनो। ठीक, तो इसका जो आंसर जो क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा एंटा एसिड अर्थात, अब देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह जो होगा, इसका तो 16 ml, इसका एंटा एसिड सी होगा। अब देखिए एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया जैसे रोग, जैसे कि बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड बुखार, डायरिया है इत्यादि सब में एंटीबायोटिक प्रतिजैविक बैक्टीरिया के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक जो होता है पीड़ाहारी होता है अर्थात दर्द निवारक होता है। एनाल्जेसिक क्या होता है, दर्द निवारक, कैसा होता है, दर्द निवारक। तो इसमें हम लोग दर्द निवारक में हम लोग क्या करते हैं, मेगापिन का उपयोग करते हैं, मेगापिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, मेगापिन का उपयोग क्या करते हैं, करते हैं एनाल्जेसिक। अब देखिए एंटीसेप्टिक अर्थात प्रतिरोधी, अब इस प्रतिरोधी में देखिए किसका उपयोग, इसमें जो हम लोग करते हैं बुखार हो जाता है, ठीक है बुखार है तो बुखार में हम लोग पारासीटामोल का उपयोग करते हैं, पारासीटामोल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग, पारासीटामोल का उपयोग करते हैं। तो सबके बारे में जान गया, तो अपच के उपचार के लिए किस दवा का उपयोग करना चाहिए, एंटा एसिड का, सी आंसर क्या बिल्कुल सही है। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और जो भी कन्फ्यूज़न हुआ क्या कीजिए, आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर क्या कीजिए, कॉमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।